नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कतर में आपको पता है मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए थे, कतर में भी मजदूरों का वर्करों का सबसे ज्यादा शोषण होता है। जी हाँ, और वहाँ की कंपनियां भी इतनी मतलब ऐसी हो चुकी हैं कि वहाँ का लेबर लोगों को वो फॉलो नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं लचीलापन कानून होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि कतर ने एक वो भी नॉर्मल हो गया था कि भाई गल्फ कंट्रीज से वो थोड़ा फंड गया था, तो वो नहीं चाहता था कि भाई कैसा ऐसा कुछ स्टिक करें कि हमें दिक्कत हो। इस चक्कर में मजदूरों का फिर कंपनियों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था कि सरकार ने मजदूरों के लिए मिनिमम सैलरी पैकेज घोषित कर दिया, जो लगभग मार्च या अप्रैल 2021 में लागू हो जाएगा। मैंने बताया था, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। अभी हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अभी भी कतर सरकार मजदूरों के हित में कुछ सुधार आने वाले टाइम पे भी करता रहेगा, और अभी कर भी रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक जो संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर मजदूरों की निगरानी का काम करती है कि भी कौन से देश में किस तरह से मजदूरों के हालात चल रहे हैं। उसमें उन्होंने भी कतर के लिए बोला है कि भाई ठीक है, कतर अभी सुधार कर रहा है, हालांकि बहुत आगे नहीं गया है, लेकिन फिर भी सुधार कर रहा है। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता भाई 2022 में कतर में आपको बताया फुटबॉल मैच होने वाले हैं, इसके लिए वहां पे स्टेडियम वगैरह बन रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कतर में क्या किया कि जो वहां पे काम कर रहे थे मजदूर, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई 2000 ये काम पूरा कंप्लीट होने से पहले आप अपनी देश नहीं जा सकते, जिसमें सबसे ज्यादा नेपाल, पाकिस्तानी, फिलीपींस वर्कर थे। लेकिन अभी कतर सरकार ने इस नियम को हटा दिया है कि भाई कोई भी अपने देश जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ये भी एक अच्छा नियम कर दिया। इसमें क्या होता था आपको पता है, फिर वो जबरदस्ती रहना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना, उनका शोषण होना, अभी इनके ऊपर प्रतिबंध हट गया है। कोई भी आदमी अगर मजदूर वर्ग है वो अपने अपने देश आना चाहता है तो आ सकता है। वैसे भी बहुत टाइम से अभी कतर में इतना वैकेंसीज भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कतर में लोग इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हाँ ठीक है, जो जानता है पहचानता है वहां पहले से रह रहे थे वो एक अलग बात है, बाकी कतर में मजदूरों का शोषण ज्यादा हो रहा था। एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं कतर में इस तरह से लोग वहां पे इतना लोग काम कर रहे हैं। आप ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में है, इतने लोग वहां पे मजदूर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से समझे। ट्रेड में इतने लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस में भी है, सबसे ज्यादा है सोशल वर्क, सोशल सर्विस में सबसे ज्यादा लोग वहां पे जॉब करते हैं। पोस्ट एंड टेलीकॉम में भी अच्छे लोग जॉब कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, माइनिंग में भी सबसे ज्यादा है, टाइल्स में भी सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। जी हाँ साथियों, इतने मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं इसमें। बस ये आपको जानकारी देनी थी कि भाई कतर धीरे धीरे मजदूर हितों में सुधार करता जा रहा है, ये प्रतिबंध हट चुका है, अब कोई भी अपने अपने देश आ सकता है। बस छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।